मॉनसून का आगमन हो चुका है। ऐसे में प्याज टमाटर समेत कई सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की बात करें तो यहाँ भी सब्जियों के बड़े दामों से आम जनता परेशान है। आमतौर पर टमाटर को सब्जी में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इस महंगाई को देखते हुए लोगों का टमाटर खरीद पाना मुश्किल हो रहा है। बारिश का मौसम शुरू होने के महज 15 दिनों के अंदर ही टमाटर के दाम 30 रुपए प्रति किलो से 60 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं। वहीं कई मौसमी सब्जियां भी लोगों के औकात से बाहर हो चुकी हैं। हर सब्जी के स्वाद को बढ़ाने वाली सब्जियां आलू और प्याज के दाम भी लोगों को रुला रही हैं। लोग बोलते हैं सब्जी महंगी कैसे हुई, कुल्लू से आ रही है सब्जी, मनाली से आ रही है, लाहौर से गोभी आ रही है, मटर आ रही है, और जो व्यापारी भाई हमारे आए वो बेचारे अपने जान को जोखिम में डाल के गाड़ियों में सभी लोगों को पहुँचा रहे हैं, मंडी में, पंजाब में, हिमाचल में। ऐसा है, कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब्जी के दोबारा आस्ते आस्ते रेट डाउन हो गया। अगर भगवान जो है थोड़ी बरसात बरसाए तब, जैसा कहर बरसेगा तो सब्जी का रोड बंद है, हर जगह पत्थर गिर रहे हैं, पंडुओं में बुरे हाल हैं, बल में बुरे हाल हैं, कीचड़ बेशुमार है। मैं प्रशासन से ही गुहार लगाऊंगा कि जो सब्जी आ रही है मिनिमम वो थोड़ी से थोड़ी आ रही है, और ता करके थोड़ा उछाल है, जैसे पंजाब की डिमांड है, हरियाणा की है, चंडीगढ़ की है, हिमाचल में सारा है, एक कुल्लू है, गड़सा है, भुंतर है, नगवाई है, सब्जी मामूली है, खाने वाले दुनिया है। सब्जी जो आज की डेट में बिक रही है वो बरसात के कारण जो है सारी सब्जियां जैसे बल में है, और अन्य जगह जितनी भी सब्जियां हैं वो सारी, जैसे जिसके घर में एक क्विंटल सब्जी निकलती है उसके घर में अभी 10 किलो सब्जी निकल रही है। इसके कारण जो है बरसात के ज़्यादा होने के कारण जो है सब्जियाँ ख़राब हो गई, और सब्जियों के जो जैसे कोई चीज़ 40 रुपये थी वो बढ़कर 50-60 रुपये हो गई। जैसे आप टमाटर ले लो जो आज से 15 दिन पहले 20-30 रुपए किलो थे वो आज की डेट में 50-60 और 70 के बीच में बिक रहे हैं। और जैसे फूलगोभी है, फूलगोभी बरसात के कारण ख़राब हो गई है, अब लाहौल की गोभी चली है, इसका रेट आज की डेट में 70-80 रुपये है। जो कुल्लू की गोभी है उसका रेट 40-50 रुपये। अब जो मटर लाहौल का चला हुआ है पूरे हिमाचल के या पूरे इंडिया में जाता है, इसका रेट भी आज की डेट में मंडी में 160 रुपये किलो है। और जो अन्य सब्जियाँ जैसे भिंडी नीचे से आ रही है, इसका रेट जो है 35-40 रुपये होलसेल है, और परचून में 50-60 रुपए के लिए। अन्य जो हमारी यहाँ की हिमाचल की जो सब्जियाँ हैं, जो उत्पाद जितने भी उत्पाद हैं ये पूरे 4 स्टेटों में जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, हिमाचल हो गया हमारा अपना ही, और आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वो तो जितनी भी हमारी सब्जियाँ जितनी उत्पादन हो रहा है उसका 20% जो सब्जियाँ हिमाचल में बिक रही हैं और 80% जो सब्जियाँ टोटल बाहर जा रही है। इसलिए जो है कुछ ये जो बरसात हर साल की ये भारतीय आई, इस साल भी जो है बरसात में रेट जो थोड़े थोड़े अभी हाइक हुए हो, तो सब्जी का रेट है अभी तो मेरे को लगता है जैसे अभी 2-3 महीने बरसात रहेगी तो सब्जी के रेट में इसी ढंग से चलेंगे। और आम तो कितना गए 80 रुपये किलो, प्याज महंगा हो गया, लहसुन महंगा हो गया, 60 रुपये प्याज है, और आदत तो नहीं मिल रहा है, भी महंगा है 100 रुपये। देखो जी ऐसा है, सब्जियों के दाम मतलब इस टाइम बहुत बड़े हुए हैं। मैंने जो है मतलब 3 दिन पहले 30 रुपये किलो टमाटर लिए और आज जो है वो इस टाइम 60 रुपये और 50 रुपये है। और जैसे घिया है, घिया भी महंगा हो गया, मतलब हर चीज़ महंगी हो गई, मटर भी महंगे हो गए हैं। आपको बता दें कि हर साल मॉनसून का सीजन आते ही सब्जियों के दाम आसमान को छूने लगते हैं, लेकिन इस साल तो सब्जियों के रेट गर्मी के मौसम से ही बढ़ गए थे। अब मॉनसून ने भी कमर तोड़ दी। बारिश का मौसम आने के 15 दिनों के अंदर ही कई सब्जियों के दाम ऐसे बढ़े कि आम आदमी के पसीने छूट गए। इन सब्जियों में टमाटर का दाम तो सिर चढ़कर बोल रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।